प्रदेश में सियासी पारा एकाएक बेहद गर्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के वफादार माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के खिलाफ बगावत कर दी है। मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मायावती पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ में कांशीराम के आदर्शों की हत्या का भी इल्जाम उनके सर मढ़ा है। अच्छा पैसे रखने वाले कैंडिडेटों के चयन होना चाहिए था, वहाँ पर आज बड़े पैमाने पर ऊंची दामों को बोल बोल करके टिकट बदले जा रहे हैं। इन्होंने लालच और मोह में आकर के मानवर कांशीराम जी के निर्वाण के बाद नारे को बदलने का काम किया और इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उधर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कि मौर्य अगर पार्टी नहीं छोड़ते तो उन्हें निकाल दिया जाता। माया ने मौर्य पर बेटे बेटी के लिए टिकट मांगने की बात कहकर मौर्य को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही बीएसपी को छोड़कर हमारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना कुछ दिनों के अंदर ही हमारी पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी। मेरे को वहां से टिकट दे दो, मेरे लड़के को ऊंचा हर से, और मेरी लड़की को जो 2017 में असेंबली का चुनाव होगा तो मेरी लड़की को पुरानी वाली सीट से टिकट दे दो। तो हमने बोला कि भाई, मैंने इनको कहा जब ये मुझसे मिले कि आपने क्या श्री मुलायम सिंह यादव का झूठा खा लिया है क्या। मौर्य के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। कम से कम आजम खान के बयानों से तो यही लगा। राजनेता के तौर पर हमेशा पसंद किया, हमने हमेशा पसंद किया और सदन में भी उनका रोल जितना भी रहा है हमेशा अच्छा रहा है। और इस बात पर मैं, अगर आप प्रोसीडिंग्स निकालेंगे तो ये बार बार कहता रहा हूँ कि आप जैसे विचारक आदमी वहाँ सही नहीं है। बसपा में आए सियासी तूफान से पहले समाजवादी पार्टी में बवंडर आ चुका था। कौमी एकता दल के सपा में विलय के बाद समाजवादी परिवार में दरारें साफ दिखी। सवाल उठने लगे कि आखिर सपा में किसकी चलती है। जब भी नेताजी का जो फैसला होगा और नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी की इजाजत से ही मैंने ज्वाइन कराया है। माना जा रहा है कि 2017 के चुनावों के सियासी उठापटक का ये महज ट्रेलर है। विधान परिषद चुनाव में जिस तेवर से सपा, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है, उससे ये लगता है कि पाला बदलने वालों की जमात बढ़ेगी। उधर अस्थिरता के इस दौर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस की नैया को पार लगाने में जुटे हैं। एक बात तो तय है कि सूबे में सियासत की बदलती तस्वीर आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।